सब्सक्राइब करें मेवात टाइम। बीजेपी का दूसरा कार्यकाल जो एक साल मुकम्मल हुआ है, ये बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि पब्लिक में इतनी अफरा तफरी पहले कभी नहीं देखी गई जितनी आजकल देखी जा रही है। आवाम यहाँ ट्रेन ट्रैक से भटक गई हैं, कभी NRC के बहाने, कभी कश्मीर 370 के बहाने, दिल्ली के दंगे हुए। इतनी खूबियाँ और इतनी उपलब्धियाँ इस सरकार की रही हैं एक साल में कि उनको गिनाया नहीं जा सकता। जितने भी लॉलीपॉप दिए गए, 20 लाख करोड़ का दिया गया, जितने भी जुमले इस एक साल में दिए गए हैं, वो हमेशा इतिहास में याद रखे जाएंगे। इस सरकार ने अलावा भरोसे और यकीन दिलाने के जुमले कहने के अलावा न पिछले कुछ कार्यकाल में किया, न इस एक साल में कुछ हुआ है। लेकिन ये अजीब बात है कि इस बिना पर कोरोना से मौत में हम चीन से आगे निकल गए। ट्रेन जो भटक रही हैं उनमें 100 लोग मारे गए, पैदल 100,000 लोग मारे गए, लेकिन उस बिना पर इनका जश्न मन रहा है। तो पब्लिक सब याद रखेगी, ये सब याद रखा जाएगा, और ये एक साल इनकी ताबूत में कील ठोकने के लिए यही काफ़ी हो। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि BJP का जो दूसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद जिस तरह से मुसीबतें शुरू हुई और जिस तरह सरकार के फैसले हुए हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही बुरे दिन आए हैं। चाहे शुरू में कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात हो, 3 तलाक का मसला हो, या राम मंदिर बनाने का फैसले को लेकर जितने भी संवैधानिक संस्थाएं थी, चाहे वो चुनाव आयोग रहा हो, RBI रहा हो, ED रहा हो, या KEG रहा हो, या CBI रहा हो, जिस तरह से उनका दुरुपयोग हुआ और जिस तरह से साल के आखिर में, इसी साल के आखिर में, पिछले साल के, जिस तरह से CA और NRC का एक बड़ा रोगान शुरू हुआ और उसके चलते चलते अर्थव्यवस्था जो पटरी से उतरी और फिर उसके बाद कोरोना काल का जैसे शुरुआत हुई, तो ऐसा लगता है कि BJP का दूसरा कार्यकाल मुसीबतों से शुरू हुआ और ऐसा लगता है कि देश को पटरी पे आने के लिए बहुत सारा समय लगेगा इसको दोबारा से करने के लिए। तो बहुत बुरा, जिस तरह से आखिर में कोरोना काल में अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, मजदूर जो प्रवासी मजदूर थे उनके पैरों में छाले पड़ गए, और जिस तरह से भुखमरी और गरीबी और अर्थव्यवस्था और हर सेक्टर में, चाहे ऑटोमोबाइल हो, उसे जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो और टेक्सटाइल हो, जिस तरह से ध्वस्त हुआ है सारा ढांचा अर्थव्यवस्था का, और नफरतें और जिस तरह से भुखमरी आई है, मैं समझता हूँ कि आज़ादी के इतिहास में ऐसा बुरा दौर से मुल्क कभी भी नहीं। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इस साल की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, अगर हम पिछले उनके 5 साल के टर्म में जाएँ तो उसमें उन लोगों ने कुछ नहीं करा, इनसे हम इस साल में क्या उम्मीद कर सकते हैं। और मैं ये चीज़ें तो बुनियादी तौर पर सही हो सकती है कुछ हद तक, मैं ये समझता हूँ, लेकिन वो सही उनके हद तक सीमित हो सकती है। पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को रोज़गार चाहिए, पब्लिक को अपने विकास के लिए अच्छी अच्छी इमारतें, बिल्डिंगें, वो लघु उद्योग वगैरह चाहिए जिनसे उनका गुजारा हो सके। 3 तलाक से किसी का भला नहीं हो सकता, मैं समझता हूँ। 3 तलाक एक कम्युनिटी के विरोध में, एक मैं ये कह सकता हूँ, एक स्पेशल कम्युनिटी को टारगेट करने का, और जो इनकी राजनीति चली आ रही है, हिंदू मुस्लिम को जो ये कम्युनलाइज करते हैं, ये सारा ठीक रहा ये है, इनका कुछ करना धरना नहीं है। 3 तलाक से क्या गरीब मजदूर का पेट भर जाएगा? 3 तलाक से क्या ये जो इस देश में भुखमरी आई पड़ी, बेरोजगारी आई पड़ी, इस सबसे सब चीज़ों को वो हो जाएगा? नहीं होएगा। कश्मीर में धारा 370 हटाई, इनके समीप ठीक थी वो, चलो मान लेते इन्होंने हटा दी, लेकिन क्या धारा 370 से हटा करके कश्मीर की जो मेन समस्याएं हैं, जो उनके मेन जड़ें हैं, जो मेन चीज़ें हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी? नहीं हो पाएंगी। धारा 370 को हटाने से कश्मीर की समस्याएं नहीं सही हो जाएंगी। जब तक आप बुनियादी तौर पर उनकी समस्याओं के, उनकी जन भावनाओं को नहीं सुनोगे, मैं समझता हूँ कि धारा 370 हटाना या ना हटाना कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है उनकी बुनियादी समस्याएं क्या है। शहरियत तरमीमी कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ, उस पर मुल्क भर में मुजाहरे हुए और एक तरीके से प्रदर्शन में पूरा हिंदुस्तान डूब गया, उसको लेकर के क्या? सही बात तो ये है, CAA कानून एक ऐसा कानून है, और ये भी भली बात है उसको जानते हैं कि CAA कानून, फिर वही बात आती है, एक कम्युनिटी को बिल्कुल ये नस्तो नाबूद करने की इन्होंने जो सोच रखी है। लास्ट में आपसे ये कहना चाहता हूँ,
आज इनकी एक साल की कारगुजारी क्या है? इनकी एक साल की कारगुजारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि विपिन गोयल जी की जो ट्रेनें हैं, जाना तो आसाम है, जा बंगाल रही हैं, जा बिहार रही हैं, उनको जाना सही दिशा में, जाना तो राइट में है, लेकिन जा रही है लेफ्ट में। और यही सरकार, ये सरकार भी ऐसी है, काम करना चाहिए विकास का, लेकिन ये काम कर रही है बिल्कुल और खत्म होने का। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।